नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सिंह डीएनडम एडवाइस चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कार के इंजन ऑयल के बारे में। मार्केट में अलग अलग ब्रांड के अलग अलग ग्रेड के इंजन ऑयल उपलब्ध हैं। सिंथेटिक भी हैं, सेमी सिंथेटिक भी हैं और मिनरल्स भी हैं। मैंने कुछ मैनुअल्स भी इकट्ठा किए हैं जिसके आधार पर जानने की कोशिश करेंगे कि कार के लिए किस ग्रेड का इंजन ऑयल सबसे अच्छा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं ब्रांड की। ब्रांड मेरी नज़र में कुछ खास मायने नहीं रखता, मायने रखता है ग्रेड। जिस ब्रांड का ऑयल आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, जिस पे आप ज़्यादा विश्वास करते हो, खरीद सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात करते हैं सिंथेटिक ऑयल के बारे में। सिंथेटिक ऑयल मिनरल्स ऑयल के मुकाबले में 3 से 4 गुना महंगा होता है। महंगा होने के कारण अगर आपको लगता है कि ये ज़्यादा अच्छा रहेगा और आपकी जेब इजाज़त देती है महंगा ऑयल ख़रीदने की, तो आप ख़रीद सकते हैं। कोई नुकसान नहीं है, कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। नुकसान सिर्फ इतना ही है कि महंगा आता है और उसका कीमत के हिसाब से उसका उतना उपयोग नहीं होता। सबसे पहले देखते हैं अर्टिगा के मैनुअल कि इसमें कार के लिए किस ग्रेड का इंजन ऑयल रिकमेंड किया हुआ है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ऊपर पेट्रोल इंजन मॉडल के लिए है और नीचे डीजल इंजन मॉडल के लिए, और इसमें टेम्परेचर रेंज के हिसाब से कोई चार्ट नहीं बनाया हुआ है। इसमें सिर्फ इतना लिखा है SAE 0W20 इज द बेस्ट चॉइस फॉर गुड फ्यूल इकोनॉमी एंड गुड स्टार्टिंग इन कोल्ड वेदर। ये है पेट्रोल इंजन के लिए। और डीजल इंजन के लिए SAE 5W30 इज द बेस्ट चॉइस फॉर गुड फ्यूल इकोनॉमी एंड गुड स्टार्टिंग इन कोल्ड वेदर। कितना कोल्ड वेदर, उसके लिए इन्होंने टेम्परेचर रेंज का चार्ट नहीं दिया हुआ। अब देखते हैं सियाज की मैनुअल कि इस मैनुअल में किस ग्रेड का इंजन ऑयल रिकमेंड किया हुआ है। इसमें आप देख रहे होंगे लेफ्ट साइड में है पेट्रोल इंजन मॉडल के लिए और राइट में है डीजल इंजन मॉडल के लिए। इसमें टेम्परेचर रेंज का चार्ट दिया हुआ है, लेकिन सिर्फ सिंगल ग्रेड के लिए। पेट्रोल में भी सिंगल ग्रेड के लिए और डीजल में भी सिंगल ग्रेड के लिए। पेट्रोल में दे रखे है 0W16 ग्रेड और इसमें लिखा है SAE 0W16 इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर गुड फ्यूल इकोनॉमी एंड गुड स्टार्टिंग इन कोल्ड वेदर। और सेम डीजल में दे रखा है 5W30, SAE 5W30 इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर गुड फ्यूल इकोनॉमी एंड गुड स्टार्टिंग इन कोल्ड वेदर। कितना कोल्ड वेदर, कितना माइनस टेम्परेचर तक वेस्कोसिटी है, वो सब इसमें नहीं दी हुई। इसमें जो टेम्परेचर रेंज दी हुई है पेट्रोल इंजन के लिए 0W16 का, ये -30 डिग्री से नीचे तक जाता है और 40 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर तक के लिए रिकमेंड है। और डीजल इंजन मॉडल के लिए ये जाता है तकरीबन -25 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री प्लस तक। तो आप देख सकते हैं कि आप जिस एरिया में रहते हैं उसमें क्या इतना लो टेम्परेचर होता है। अभी अगली मैनुअल भी देखते हैं, और हमारी अगली मैनुअल है टोयोटा इटियोस और इटियोस दीवा की। इसके पहले पेज पे दे रखे है गैसोलाइन इंजन यानी पेट्रोल इंजन के लिए, और इसमें बिल्कुल क्लियर टेम्परेचर रेंज चार्ट बिल्कुल क्लियर मेंशन किया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, पहले वो पढ़ देते हैं, SAE 5W30 इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर गुड फ्यूल इकोनॉमी एंड गुड स्टार्टिंग इन कोल्ड वेदर। इफ़ यू यूज SAE 10W30 और ए हायर वेस्कोसिटी इंजन ऑयल इन द एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, द इंजन मे बी बिकम डिफिकल्ट टू स्टार्ट, सो SAE 5W30 इंजन ऑयल इज रिकमेंडेड। यानी कि ज़्यादा ठंडे एरिया के लिए 5W30 बेस्ट चॉइस है स्टार्टिंग के लिए। अगर हम 10W30 या इससे ज़्यादा वेस्कोसिटी का इंजन ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, या पेट्रोल इंजन के लिए। नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं डीजल इंजन के लिए। डीजल इंजन के लिए भी इन्होंने सेम ग्रेड का इंजन ऑयल रिकमेंड किया हुआ है, SAE 5W30। आप पढ़ दीजिए, बिल्कुल सेम चीज़ लिखी हुई है जो पेट्रोल इंजन के लिए लिखी हुई है। यानी कि इन्होंने डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन के लिए कुछ भी फ़र्क नहीं किया हुआ, सेम ग्रेड का इंजन ऑयल और सेम टेम्परेचर रेंज का चार्ट बनाया हुआ है। ये देखिए आप,
तो इस चार्ट के हिसाब से हम देख सकते हैं कि हमारे एरिया में कितना लो टेम्परेचर होता है, उसके हिसाब से इंजन ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों मैनुअल देखने के बाद में हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अलग अलग टेम्परेचर रेंज के हिसाब से हम 5W30 ग्रेड से लेकर के 20W50 ग्रेड तक अपनी कार में इंजन ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, मैनुअल से कन्फ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने एग्जांपल के तौर पर इस्तेमाल की थी। सीधी सी बात है, अगर आपके एरिया में ज़्यादा ठंड पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है, माइनस में टेम्परेचर पहुंच जाता है, तो आपके कार के लिए 5W30 ग्रेड का इंजन ऑयल अच्छा रहेगा। और अगर आप जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली या फिर सेंट्रल इंडिया या फिर साउथ इंडिया में रहते हैं, तो 10W40 ग्रेड का इंजन ऑयल आपकी कार के लिए सबसे अच्छा रहेगा। और ये मत सोचना कि अगर आप सिंथेटिक ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो आपकी कार का माइलेज, पिकअप और इंजन लाइफ अच्छी हो जाएगी, ये सिर्फ भ्रम है। माइलेज, इंजन लाइफ और पिकअप के लिए ज़रूरी है कि आप टाइम से सर्विस कराएं, इंजन को अच्छे तरीके से मेंटेन रखें। तो बस यही थी इंजन ऑयल के बारे में जानकारी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा पहुंच सके। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो आप तक समय से पहुंच सके। धन्यवाद।